हम कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कंटीन्यूअस टेंस क्या था? जब कोई काम कंटिन्यू हो, जारी हो, चल रहा हो, तब हम कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट में कंटिन्यू हो तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस। इसमें भी तीन आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। याद रखें, जब कोई काम चल रहा है तो उसके लिए हम कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। क्या कहा मैंने? कि जब कोई काम चल रहा हो तो उसके लिए हम कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पर, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि ये काम चल रहा है, आई एम ईटिंग। मैंने खा लिया, आई हैव ईटन। इसे मैंने किस में बनाया? परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये काम जस्ट अभी ख़त्म हो गया। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। कंटीन्यूअस टेंस में बनाया मैंने। जब मैं आ चुका यानी आने का काम ख़त्म हो चुका, तब मैं क्या कहूँगा? आई हैव कम। तो परफेक्ट टेंस के बारे में बस यही बात याद रखनी है आपको, यानी एक ही बात याद रखनी है, जब कोई काम जस्ट अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, जस्ट अभी ख़त्म यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जब कोई काम जस्ट अभी ख़त्म हो गया तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और परफेक्ट टेंस में भी हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब आप बता सकते हैं एकदम आसानी के साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस हुआ कि कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू था और अभी ख़त्म हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में नॉर्मली चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन आप ये याद ना रखें तो ही बेहतर है। आप क्या याद रखें? जो अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बताएं, बस वो लिखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर रचना लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव या हैज़ लगाना है, और उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने वर्ब की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उसे देखें। वर्ब पर मैंने 5 वीडियो डिटेल में बनाई है, और एक ऐसी वीडियो है कि अगर आपने उसे देख लिया तो आपको वर्ब फॉर्म में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, और वो आपको होम पेज पर मिल जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि हैव किसके साथ यूज़ किया जाएगा और हैज़ किसके साथ यूज़ किया जाएगा। दोनों कब यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक यूज़ ये है, और भी बहुत सारी जगह यूज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होंगी। एक वचन शब्द के साथ, एक वचन शब्द क्या होंगे? यानी सिंगुलर वर्ड के साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा। सिंगुलर वर्ड के साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा। एक्सेप्शन है, एक चीज़ याद रख लें, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सिंगुलर, एक्सेप्शन बस दो ही हैं, पहले भी कह दे रहा हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, ऐसा ख्याल नहीं बनाना है, ठीक है। एक्सेप्शन बस दो वर्ड के हैं। तो एक वचन शब्द यानी सिंगुलर वर्ड के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, यानी कि जब कोई एक हो तब आपको हैज़ यूज़ करना है। इसे ध्यान से हैज़ पढ़ना है, हैस नहीं पढ़ेंगे आप, हैज़, ये साउंड आई और यू के साथ हैव यूज़ होगा, यही एक्सेप्शन है, ठीक है। आई क्या है? एक है ना, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हैव यूज़ होगा। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, जब सिंगुलर यूज़ होगा तब भी हैव, और प्लूरल यूज़ होगा तब भी हैव, ठीक है। तो यही दोनों एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी सिंगुलर वर्ड रहेंगे उसके साथ आपको हैज़ ही यूज़ करना है, और बाकी सबके साथ हैव, यानी कि प्लूरल वर्ड्स के साथ आपको हैव यूज़ करना है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। देख लें यहाँ पर, ही शी इट राम श्याम क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज़। उसके बाद आई यू के साथ हैव लगेगा, वी दे या एक से ज़्यादा लोग रहें तो उसके साथ हैव लगेगा। यहाँ पर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद आपको नहीं दिलाऊंगा बार बार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आप जाके वर्ब फॉर्म्स के वीडियोस देख लें। ध्यान रखें, परफेक्ट टेंस में
V3 का यूज़ किया जाता है। वर्ब फॉर्म्स के वीडियो देखे बगैर आपका काम नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पर कम क्या है, इसका फर्स्ट फॉर्म है, केम इसका सेकंड होता है और कम ही इसका थर्ड होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जाकर देखें आपको पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, वो आया है, वो आ रहा है, क्या है ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वो आ चुका है या वो आया है, ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे बनाएंगे आप, ही हैज यानी कि वो हो चुका है, यानी अब क्या हो चुका है, कम आ चुका है। ही हैज कम, वो आ चुका है। वे आ चुके हैं या वे आए हैं, सिंपल सी बात, पहले आप कंटिन्यूस बनाए। वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो आ चुके हैं, दे हैव कम। ठीक है, दे के साथ क्या लगता है, हैव, दे हैव और फिर आगे V3 कम, दे हैव कम। यहाँ पर आप फॉर्मूला रख लें सबसे पहले, यानी कि सब्जेक्ट हैव या हैज और फिर V3। फिर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैव या हैज लगाएं और उसके बाद V3 लगा लें। फॉर्मूला को सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में लिख लें और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते रहें। आगे, मैं आ रहा हूँ, क्या बनाएंगे, आई एम कमिंग। मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। तुम आ चुके हो, यू हैव कम। मैंने ये किताब पढ़ी है, सबसे पहले कंटिन्यूस बनाए, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग दिस बुक। मैंने ये किताब पढ़ ली है, आई हैव रेड दिस बुक। इसे क्या पढ़ेंगे, रेड। ध्यान से, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म होती है रेड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रेड। स्पेलिंग वही होती है लेकिन पढ़ते हैं दूसरे तरीके से, रीड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर हिंदी में किसी और तरीके से लिखा हुआ है, मैंने ये किताब पढ़ी है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं वैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैंने उसे ख़त भेजा है, मैंने उसे ख़त भेजा है। आई हैव सेंट हिम अ लेटर, आई हैव सेंट, मैंने भेजा है, हिम उसे, अ लेटर एक ख़त, आई हैव सेंट हिम अ लेटर। और अगर कहना है कि मैं उसे ख़त भेज रहा हूँ, क्या होगा, आई एम सेंडिंग हिम अ लेटर, ठीक है। मैंने उसकी इजाज़त ली है, मैंने उसकी इजाज़त ली है। आई हैव टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैव टेकन हिज परमिशन, ठीक है, हिज परमिशन। ध्यान से इसे परमिशन कहना है, शा परमिशन नहीं कहना है। आई हैव टेकन हिज परमिशन। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड, तुम बदल चुके हो, अ लॉट बहुत, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल चुके हो। आगे, कीमतें फिर बढ़ गई हैं, प्राइसेस, ध्यान से कहना है प्राइसेस, प्राइस नहीं कहना है, प्राइस यानी कि तो इनाम होता है। प्राइसेस हैव रिजन अगेन, प्राइसेस हैव रिजन अगेन, कीमतें फिर बढ़ गई, अगेन यानी कि दोबारा, फिर से। प्राइसेस हैव रिजन, कीमतें बढ़ चुकी हैं, अगेन फिर से। और अगर कहना है, कंटिन्यू बनाएं इसे आप, कि कीमतें बढ़ रही हैं, फिर से बढ़ रही हैं, तो क्या कहेंगे, प्राइसेस आर राइजिंग अगेन। आगे, तुम अब पिता बन गए हो, यू हैव बिकम, तुम बन चुके हो अ फादर, एक फादर नाउ, अब यू हैव बिकम अ फादर नाउ। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है, आर बॉस हैज कॉल्ड, कॉल्ड यानी कि बुलाना होता है, एक कॉल, इस कॉल का मतलब बुलाना ही होता है, ठीक है। आर बॉस हैज कॉल्ड अ मीटिंग, हमारे बॉस ने एक मीटिंग बुलाई है, एक मीटिंग रखी है, कुछ भी कह लें हिंदी में। आप क्या कहेंगे, जब भी कोई काम अभी बस हुआ है उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, आर बॉस हैज कॉल्ड अ मीटिंग। होने को हम कहते हैं गेट, मुझे जुखाम हो गया है, आई हैव गॉट अ कोल्ड। ध्यान से आ लगाएंगे आप यहाँ पर, आई हैव गॉट अ कोल्ड, मुझे जुखाम हो गया है, उसे जुखाम हो गया है, ही हैज गॉट अ कोल्ड, उसे बुखार हो गया है, ही हैज गॉट अ फीवर। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे, ध्यान से इसे आप याद कर लें, गॉट अ कोल्ड और गॉट अ फीवर, बुखार हो जाना गॉट अ फीवर, और ठंड लग जाना यानी कि जुकाम हो जाना गॉट अ कोल्ड। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे हैं, आर बेबीज टीथ, आर बेबीज टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट, गिरने लगना तो फॉल आउट, आर बेबीज टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट।
मैं टाइम टेबल के बहुत पीछे पड़ गया हूँ। आई हैव फॉलन, आई हैव फॉलन यानी मैं गिर चुका हूँ, पड़ चुका हूँ। कहाँ पर? आगे देख ले, आई हैव फॉलन वेरी मच, बहुत ज़्यादा बिहाइंड द टाइम टेबल। आई हैव फॉलन वेरी मच बिहाइंड द टाइम टेबल। मैं ये समझ गया हूँ। आई हैव अंडरस्टूड दिस, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूँ दिस, ये। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपये का नोट मिला है। आई हैव फाउंड यानी कि मुझे मिला है अ 5 रुपी नोट, अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल, टेबल के अंदर। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। पिछले 24 घंटों में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ चुकी है। माई वॉच हैज गेंड, माई वॉच हैज गेंड बाई 10 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स। पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे फिर काट लिया है। नेक्स्ट डोर्स डॉग, नेक्स्ट डोर्स यानी कि पड़ोसी, ठीक है। नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज बीटन मी अगेन। ध्यान से इसे आपको बीटन कहना, बीटन नहीं कहना, बीटन कहना है। नेक्स्ट डोर्स डॉग यानी पड़ोसी के कुत्ते ने हैज बीटन मी अगेन, फिर से काट लिया है। मैंने कार में 500 रुपये का पेट्रोल डाला है। आई हैव पुट यानी मैंने डाला है 500 रुपीज, 500 रुपये वर्थ ऑफ पेट्रोल इन टू द कार। आई हैव पुट 500 रुपीज वर्थ ऑफ पेट्रोल इन टू द कार। अब यहाँ पर देख ले, ये सारे आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे खुद से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें और खुद से इसको बनाने की कोशिश, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ फिर आप उसे चेक कर लें कि आपने उसे सही बनाया है कि नहीं बनाया। सबसे पहले सेंटेंस है यहाँ पर, वो गया है यानी कि वो जा चुका है, ही हैज गॉन। वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैंने ये खबर सुनी है, आई हैव हर्ड, मैंने सुनी है ये खबर, दिस न्यूज, आई हैव हर्ड दिस न्यूज। मैंने ये खबर पढ़ी है, आई हैव रेड, आई हैव रेड दिस न्यूज। मैंने उसे खत लिखा है, आई हैव रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म। आई हैव रिटन हिम अ लेटर, मैंने उसे बताया है, आई हैव टोल्ड हिम, आई हैव टोल्ड हिम। वो अब पिता बन गया है, वो अब पिता बन गया है, ही हैज बिकम अ फादर नाउ, ही हैज बिकम अ फादर नाउ। बिकम का फॉर्म है बिकम, बिकेम, बिकम। वो बहुत बदल गया है, ही हैज चेंज्ड अ लॉट। क्लास शुरू हो चुकी है, द क्लास हैज स्टार्टेड। शीत ऋतु इस बार जल्दी आ गई है, विंटर हैज कम अर्ली दिस ईयर। विंटर यानी कि वो जाड़े का मौसम, विंटर हैज कम, विंटर आ चुका है, अर्ली बहुत पहले, दिस ईयर इस साल। वो फिर से फेल हो गया है, ही हैज फेल्ड, ही हैज फेल्ड अगेन। घरों की कीमतें इतने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, घरों की कीमत हाउस प्राइस, बहुत बढ़ना रॉकेट, हाउस प्राइसेस हैव रॉकेटेड रिसेंटली। रॉकेट की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, रॉकेटेड। आगे यहाँ पर कीमत आजकल बहुत गिर गई है, गिरना का क्या होता है, प्लमेट। हाउस प्राइसेस हैव प्लमेटेड रिसेंटली, हमने उसकी सलाह ली है, वी हैव टेकन हिज एडवाइस। हमने उससे पूछा है, वी हैव आस्क्ड हिम। उसने हमें लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, दे हैव परमिटेड अस टू यूज द लाइब्रेरी। बस छूट गई है, द बस हैज लेफ्ट। उसने कई किताबें लिखी हैं, He has written many books. अगला है, उन्होंने नया घर खरीदा है, They have bought a new house. And last one, उसने नई कार खरीदी है, He has bought a new car. जो नए वर्ड्स हैं आपके लिए आप उसे याद कर लें। और एक मशवरा क्या है कि जितने भी सेंटेंस अभी बताए गए हैं उसको क्या करना है, सारे सेंटेंस को आपको एक कॉपी में लिखना है और सबसे पहले आपको उसे पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड लास्ट वन यहाँ पर
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप बनाएं, क्योंकि ये सारे आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अदरवाइज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।